ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। हेलो एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फोर्थ पार्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। सभी को शुभ संध्या। आंकड़ों के संग्रह कर मैं चौथा पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ। इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल एंड देयर क्वालिटीज। फर्स्ट वी शुड नो व्हाट आर क्वेश्चनेयर्स एंड व्हाट आर शेड्यूल्स। इस पार्ट में हम क्वेश्चनेयर बनाने के यानी प्रश्नावली बनाने के और अनुसूची बनाने के तरीके के बारे में समझेंगे, उनके गुणों के बारे में समझेंगे। और सबसे पहले हम जानते हैं कि ये प्रश्नावली और अनुसूचियाँ क्या होती हैं। फर्स्ट थिंग क्वेश्चनेयर, प्रश्नावली। क्वेश्चनेयर इज ऑल्सो सेट ऑफ क्वेश्चन, बट इट इज दैट सेट ऑफ क्वेश्चन विच इन्वेस्टिगेटर सेंड टू द रिस्पोंडेंट्स थ्रू मेल। क्वेश्चनेयर जो है प्रश्नावली एक प्रश्न पत्र होता है जिससे अनुसंधानकर्ता लोगों के घरों तक, रिस्पोंडेंट्स यानी सूचकों के घरों तक मेल के जरिए भेजता है, पोस्ट के जरिए भेजता है। एंड शेड्यूल, शेड्यूल इज ऑल्सो ए क्वेश्चन सेट, बट दिस इज कैरीड बाय द इन्यूमरेटर्स विद देमसेल्स टू द रिस्पोंडेंट्स। अनुसूची भी एक तरह का प्रश्न पत्र है, लेकिन ये जो अनुसूची होती है इसे प्रगणक अपने साथ लेके जाते हैं रिस्पोंडेंट्स तक और उनसे पूछ कर बढ़ते हैं। हेयर आर सम डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल। प्रश्नावली और अनुसूची के मध्य कुछ अंतर दिए गए हैं। नंबर वन, क्वेश्चनेयर इज सेंट थ्रू मेल और पोस्ट। प्रश्नावली को मेल या पोस्ट के जरिए भेजते हैं। अनुसूची शेड्यूल, एन्यूमरेटर्स कैरी विद themselves टू द रिस्पोंडेंट्स। प्रगणक अपने साथ रिस्पोंडेंट तक इसको ले जाते हैं। नंबर टू, क्वेश्चनेयर्स आर फिल्ड बाय रिस्पोंडेंट्स। प्रश्नावली को रिस्पोंडेंट्स के जरिए खुद भरा जाता है, जो सूचक होता है वो खुद भरता है। शेड्यूल्स आर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स एज द क्वेश्चंस आर रिस्पोंडेड, क्वेश्चंस आर रिप्लाइड बाय द रिस्पोंडेंट्स। रिस्पोंडेंट्स जो हैं क्वेश्चंस का, जैसे क्वेश्चन का आंसर देते हैं वैसे ही इन्यूमरेटर मतलब प्रगणक उसे उसी तरह से भरता है। थर्ड थिंग, क्वेश्चनेयर्स कैन बी यूजफुल इफ रिस्पोंडेंट्स और लिटरेट और एजुकेटेड ओनली। जो प्रश्नावली है उनको हम तभी प्रयोग में ला सकते हैं जबकि जो हमारे सूचक पढ़े लिखे हों, लिखना पढ़ना जानते हों या एजुकेटेड शिक्षित हों। बट शेड्यूल कैन बी यूजफुल इन बोथ कंडीशन, वेदर द पीपल आर लिटरेट और इलिटरेट। अगर हमारे जो सूचक पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, दोनों कंडीशन में, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, दोनों कंडीशन में, दोनों स्थितियों में हम अनुसूचियों का प्रयोग कर सकते हैं। नाउ क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चनेयर। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चनेयर। एक अच्छी प्रश्नावली के क्या गुण होने चाहिए। नंबर वन, देयर शुड बी लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस शुड बी अबाउट फ्रॉम 12 to 18। 12 to 18 इज द आइडियल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जो प्रश्नों की संख्या है सीमित होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रश्न नहीं होने चाहिए। करीब 12 से 18 के आसपास जो क्वेश्चन होते हैं वो आदर्श माने जाते हैं। इफ देयर विल बी अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मींस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, देन द पीपल विल फील प्रॉब्लम टू फिल द फॉर्म, टू फिल द क्वेश्चनेयर एंड रिटर्न इट। अगर प्रश्नावली में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो उसमें क्या होगा कि लोगों को कठिनाई होगी इसको भरने में और पूरा करके वापस करने में। सो दे विल नॉट टेक मच इंटरेस्ट, तो वो लोग ज़्यादा फिर इस पर रुचि नहीं दिखाएंगे। सेकेंड थिंग, इट शुड बी सिंपल एंड क्लियर। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चनेयर शुड बी सिंपल एंड क्लियर, दैट कैन बी ईजिली अंडरस्टैंड बाई एवरी वन। जो भाषा है प्रश्नावली की वो साधारण और स्पष्ट होनी चाहिए जिससे आसानी से सभी को समझ में आ जाए। जो सामान्य लोग हैं, नॉर्मल पर्सन है, वो भी समझ सकें। नंबर थर्ड, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस। द क्वेश्चन शुड बी गिवेन इन अ प्रॉपर ऑर्डर।
प्रश्नों का उचित क्रम, जो भी प्रश्न हमको पूछना है उन्हें एक निश्चित क्रम से पूछें, उचित क्रम से पूछें। मीन्स फर्स्ट यू शुड ask about their name of respondents, then other for questions. You should not directly jump to the questions related to your study. सीधे आपको अपने स्टडी वाले से क्वेश्चन नहीं पूछना, पहले उनका निश्चित क्रम होना चाहिए। जैसे कि पहले आप नाम पूछिए, एड्रेस पूछिए, फिर आगे क्वेश्चन पे आगे बढ़िए। फोर्थ थिंग, अवॉइड अनडिजायरेबल क्वेश्चंस, अवांछनीय प्रश्नों से बचे। वी शुड नॉट ऑस्क टू मेनी क्वेश्चंस विच आर अनडिजायरेबल। वी शुड जस्ट कन्फाइन टू अवर स्टडी। हमें केवल अपने अध्ययन तक सीमित रहना चाहिए और उसी के अनुसार क्वेश्चन पूछने चाहिए, प्रश्न रखने चाहिए। जो अवांछनीय प्रश्न है, गैर जरूरी है, उन्हें नहीं रखना चाहिए। फिफ्थ थिंग, नॉन कॉन्ट्रोवर्सियल, गैर विवादास्पद। द क्वेश्चंस आस्क इन द क्वेश्चनेयर शुड बी नॉन कॉन्ट्रोवर्सियल। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं गैर विवादास्पद होने चाहिए। ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए कि जिससे कुछ विवाद उत्पन्न हो। सिक्स्थ पॉइंट, अवॉइड कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस। मीन्स सच क्वेश्चंस शुड बी अवॉइडेड विच रिक्वायर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जिन प्रश्नों में गणितीय गणना संबंधी बातें हों उनसे बचना चाहिए, गणना संबंधी प्रश्नों से बचें। दीज कैलकुलेशन शुड बी डन बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। जो अनुसंधान करता है उन्हें खुद ही ये सारे कार्य करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू नो परसेंटेज शेयर ऑफ इनकम दैट पीपुल स्पेंट ऑन द स्टडी ऑफ दियर चिल्ड्रेन, अपने बच्चे को जैसे पढ़ाने के लिए कितना प्रतिशत आय का हिस्सा लोग खर्च करते हैं, ये अगर जानना है तो वी शुड जस्ट ऑस्क हाउ मच मनी दे स्पेंट ऑन द एजुकेशन ऑफ दियर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों पे वो कितना रुपया खर्च करते हैं, बस हमें ये जानना चाहिए। एंड परसेंटेज शेयर शुड बी कैलकुलेट बाय आवर, और उनका जो प्रतिशत निकालना है वो सारा काम खुद हमें अपने आप कर लेना चाहिए। नंबर सेवन, प्री टेस्टिंग और पायलट सर्वे। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे मीन्स द क्वेश्चनेयर शुड बी प्री टेस्टेड बाय मेकिंग ए पायलट सर्वे एमंग द मेंबर्स ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स। पूर्व जांच पायलट सर्वे, इसका मतलब ये है कि हमें फील्ड में जाने से पहले जो भी हमने क्वेश्चनेयर तैयार की है, प्रश्नावली तैयार करी है, उनके प्रश्नों का आपस में एक सर्वे कर लेना चाहिए पूर्व जांच करने के लिए, सो दैट वी कैन क्लियर देयर लैंग्वेज और एनी अदर, इफ देयर एनी अदर प्रॉब्लम अकर इन द क्वेश्चन देन वी कैन रिमूव और सॉल्व इट। इससे क्या होगा कि हम निश्चित हो जाएंगे कि क्वेश्चन में जो क्वेश्चनेयर में जो भी क्वेश्चन है वो सब सही है। अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है उसको हटा सकते हैं या सही कर सकते हैं। नंबर एट, इंस्ट्रक्शन, देयर शुड बी क्लियर इंस्ट्रक्शन हाउ टू फिल द क्वेश्चनेयर। प्रश्नावली कैसे भरें उनके बारे में स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए। नाउ नाइन्थ पॉइंट, क्रॉस वेरिफिकेशन, देयर शुड बी सर्च क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड फॉर क्रॉस वेरिफिकेशन। ऐसे प्रश्नों को पूछना चाहिए जो कि क्रॉस वेरिफिकेशन कर सके। क्रॉस वेरिफिकेशन का मतलब जो क्रॉस जांच कर सके, वाला जो भी आंसर पहले दिए गए हैं वो सही है कि नहीं उसको हम समझ सकें। क्रॉस वेरिफिकेशन को हिंदी में क्रॉस सत्यापन कहते हैं, मतलब जो भी हमने क्वेश्चन पहले पूछे उसको उसका सत्यापन, उसकी पुष्टि करने के लिए कुछ दूसरे क्वेश्चन भी हों, सो दैट वी कैन चेक वेदर द आंसर्स विच आर गिवेन by any persons are true or not, मतलब कि जो पहले किसी ने आंसर दिए वो सत्य है या नहीं इसको हम चेक कर सकें। नाउ टेंथ पॉइंट, रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, वापस करने का अनुरोध। वी शुड मेक अ रिक्वेस्ट टू रिटर्न द क्वेश्चनेयर व्हेन वी आर सेंडिंग दीज थ्रू मेल। जब हम मेल के जरिए प्रश्नावली भेजते हैं तो एक नीचे वापसी करने का अनुरोध कर देना चाहिए। नाउ types of questions which can be asked in a questionnaire, प्रश्नावली में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नंबर फर्स्ट, सिंपल alternative questions, means alternative, there will be two alternative, we have to choose one from them, like yes or no, सही या गलत, wrong or right,
such kinds of questions or simple alternative questions, and these are also known as dichotomous questions. इनको द्विभाजी प्रश्न भी कहते हैं. इसमें क्या होता है, हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं जिनका आंसर या तो यस या नो या ट्रू और फॉल्स ऐसे करके देना पड़ता है, हाँ या नहीं. लाइक डू यू गो टू स्कूल ऑन फुट, क्या आप स्कूल पैदल जाते हैं. वेदर यू आंसर इन यस और नो, आपका जो आंसर होगा यस में या नो में होगा, हाँ या नहीं. सेकेंड, रेटिंग क्वेश्चन, मूल्यांकन आधारित क्वेश्चन. इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन वी आस्क द पर्सन टू रेट ऑफ एनी प्रोडक्ट और एनी अदर थिंग, एनी कॉमेंट. मतलब किसी बात को हमें रेट करना पड़ता है, उसके बारे में रेटिंग देनी पड़ती है. लाइक देयर आर 5 stars given any questions and asked about any product, whether they like the product and how many stars will they give on out of 5 stars. मतलब 5 star में लोग कितना स्टार देंगे किसी प्रोडक्ट को अगर वो पसंद करते हैं. मतलब कितना पसंद आया, 1 star means बिल्कुल नहीं पसंद है, 2 में थोड़ा बहुत, 3 में हो गया संतोषजनक. नाउ थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न. हेयर वी गिव 1 question एंड देयर आर 2-3 ऑब्जेक्टिव्स एंड द पर्सन हैड टू चूज 1 alternative. इसमें बहुविकल्पी प्रश्न में हम एक प्रश्न पूछते हैं, उसके बाद 3-4 उसके ऑप्शन देते हैं, उस ऑप्शन के बीच में से एक का चुनाव करना पड़ता है. ABCD लाइक दिस वी गिव 2-3 or 4 ऑप्शंस. लाइक हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हैं, ऑन फुट, बाई साइकिल, बाई बस और बाई ऑटो, इत्यादि. 4 ऑप्शन दे दिया. आप उससे पूछा कि आप स्कूल कैसे जाते हैं, पैदल जाते हैं, बस से जाते हैं, साइकिल पर जाते हैं या ऑटो से जाते हैं. जो भी आंसर होगा उस पर आप टिक कर देना. नंबर 4, स्पेसिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, विशेष सूचना हेतु प्रश्न. इन सच क्वेश्चन वी डायरेक्टली आस्क आंसर, वी डू नॉट गिव एनी ऑप्शन. आंसर शुड बी गिवेन बाय द रिप्लायर, जो हमारा रिस्पॉन्डेंट है वो इसका आंसर देंगे. हमें केवल सीधे सीधे उनसे क्वेश्चन पूछना है एंड दे विल आंसर इट. नाउ 5th, ओपन क्वेश्चन, खुले प्रश्न. इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वी ask some suggestion from the people. They are open to express their suggestion. मतलब हम यहाँ पे लोगों से उनके विचार जानना चाहते हैं किसी भी समस्या के बारे में, उसको सॉल्व करने के लिए कैसे क्या किया जा सकता है, क्या उनके विचार हैं. लाइक वी कैन आस्क पीपल हाउ द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सॉल्व इन आवर कंट्री. जैसे हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या को कैसे कम कर सकते हैं. टेल सम सजेशन अकॉर्डिंग टू योर ओन वेज, अपने खुद के आधार पे कुछ उपाय बताइए. इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं. सो दिस इज ओवर फॉर टुडे. नेक्स्ट डे आई विल अपलोड द नेक्स्ट पार्ट. ओके, थैंक यू.